अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ असमत खान नियाज़ी, Bio 301 की सेकंड वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। 7 पॉइंट है कि ह्यूमन मेड क्रोमोसोम इज़ नॉर्मल रिटन एज 46XY, ये आपको पता है और होना भी चाहिए। सेकंड है क्रोमोसोमल एबरिएशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये जो आप क्विज हुए हैं, सेकंड क्विज हुए हैं, तो इनमें से आया था। एक फेलो कह रहा था 10 है और एक 6, फिर मैंने स्क्रीनशॉट बनाया फिर इनको सेंड किया, नहीं ये 2 है, तो कंफर्म करा लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन क्रोमोसोमल एबरिएशंस, एक होता है न्यूमेरिकल और एक स्ट्रक्चरल, ये दो होते हैं। यूजली ड्यू टू द नोवो एरर इन मियोसिस, और स्ट्रक्चरल मे बी ड्यू टू डी नोवो एरर इन मियोसिस और इनहेरिटेड। तो ये जो जो बातें हैं ये MCQs में ये भी पूछी जा सकती हैं, न्यूमेरिकल के लिए और स्ट्रक्चरल के लिए भी। न्यूमेरिकल के लिए यूजली आएगा और स्ट्रक्चर के लिए भी मे बी आएगा, आगे बात सेम है, तो ये बात भी आप माइंड में रख लें। ये MCQs में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, तो ये भी आप रीड कर लें। वापस चलते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेनोपोटेंट सेल्स फ्रॉम टोटिपोटेंट सेल्स इज कॉल्ड सेलुलर डिफरेंशिएशन, ये ठीक कह रहे हैं आंस, बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन आपको याद कराने के लिए हैंडआउट से दिखाना ज़रूरी है। जब आप हैंडआउट से देख लेते हैं तो एक तो कंफर्म हो जाता है। दूसरा एक और MCQs का पता चल जाता है। अब ये देखो, सेलुलर डिफरेंशिएशन, टोटिपेंट सेल्स बिकम प्लूरिपोटेंट सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो विच डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेसिफिक लाइनेज, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप याद कर लें। सेलुलर डिफरेंशिएशन, टोटिपोटेंट सेल्स बिकम प्लूरिपोटेंट सेल्स, टोटिपोटेंट जो हैं वो प्लूरिपोटेंट सेल बन जाते हैं ऑफ द एम्ब्रियो विच डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक लाइनेज, इम्पोर्टेंट बात है। ये भी आप रीड कर लें। एक्स क्रोमोसोम इन एक्टिवेशन, जीन एक्सप्रेशन ऑन वन ऑफ द फीमेल एक्स क्रोमोसोम इज डाउन रेगुलेटेड DNA मिथाइलेशन एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन, बहुत MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसको रीड कर लें। फिर आते हैं न्यू किताब, ये जो है 10 नंबर पे, ये जो वर्ड है ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा और ना ये मुझे मिल रहा है, तो DHEN, या तो ये लिखने में टाइपिंग की गलती है या क्या है, ये ना मुझे मिले है ना इसकी समझ है, तो फिर बाद में क्लियर करके आपको बता दूंगा। एडिशन ऑफ कंप्लीट सेट क्रोमोसोम इज नोन एज यूप्लाइडी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, पेपर में आ सकती है यूप्लाइडी, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस तो आपको आनी चाहिए, कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं थी इसको, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गेन ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एडिशन होना या गेन होना, ऐड ही होना होता है, एक ही बात होती है, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है MCQs में, तो इस तरह फाइनल पेपर में भी वर्डिंग चेंज होगी, तो आपने कंसेप्ट जो है वो माइंड में रखना है। गेन ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड यूप्लाइडी। नीचे आ जाते हैं, कहता है कि टू जीन्स क्लोज टुगेदर फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वुड बी लो,
टू जीन्स क्लोज टुगेदर फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वुड बी लो। चलो इसको कंफर्म करते हैं। ये देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, डिस्टेंस जो होगा वो अगर ग्रेटर होगा तो जो क्रॉसिंग ओवर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी जो है वो भी ग्रेटर होगी। अगर डिस्टेंस जो है वो जीन्स के दरम्यान क्लोज होगा तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होगी उसकी फ्रिक्वेंसी भी लो होगी। ये बात कह रहा है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, द probability ऑफ अ क्रॉसिंग बिटवीन टू जीन्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, दैट इज ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स द ग्रेटर द probability दैट क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन देम ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो बात को आप माइंड में रखें, काम की बात है, क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो बैक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जहां कोल कोल चीज साइन कोल्ची साइन कोल्ची सीन सॉरी कोल्ची सीन कोल्ची सीन जी आ गया कोल्ची सीन टू प्रमोट पॉलीप्लाइडी। कोल्ची सीन जो है वो पॉलीप्लाइडी को प्रमोट करता है। ये जो बात है ये एमसीक्यूज में पूछी गई है, जस्ट छोटी सी लाइन है तो इसको आपने माइंड में रखना है। कोल्चिसिन यूज टू प्रमोट पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी को प्रमोट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये बात जो इम्पोर्टेंट है आपने इसको माइंड में रखना है। उसके बाद लास्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज क्लोज बाय मल्टीपल जीन्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन। ये बात ठीक है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है वो मल्टीपल जीन से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये देखें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, क्योंकि पॉलीजेनिक की बात हो रही है तो इसलिए मल्टीपल जीन्स या मैनी जीन्स इस तरह से पूछ सकते हैं, आपने माइंड में रखने। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।